जिस ईडी के जिम्मे भ्रष्टाचार रोकने का अधिकार, उसी के अधिकारी निकल गए भ्रष्टाचारी। एक तरफ देश भर में ईडी मार रही रेड, दूसरी ओर ईडी के अधिकारी नहीं ले लिया घूस। सीबीआई ने की जांच तो हुआ बड़ा खुलासा, 5 करोड़ की रिश्वत के आरोप में सीबीआई ने किया ईडी के अधिकारी को गिरफ्तार। दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर लगातार उठ रहे सवाल और कार्रवाई के बारे में अब तक आपने जाना ही होगा, साथ ही ये भी कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री और अलग अलग कार्यभार संभाल रहे मनीष सिसोदिया, जिनके जिम्मे आबकारी विभाग भी था, उनके आबकारी नीति पर सवाल उठा। कई तरह के घोटाले की बातें सामने आई, जिसके बाद सिसोदिया को हिरासत में ले लिया गया। वहीं अब इसी मामले पर एक बड़ा खुलासा हुआ है, यह रिश्वत का। इस बार इल्जाम ईडी अधिकारी पर लगा है। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर पवन खेत्री को गिरफ्तार किया गया है। उन पर शराब घोटाले में आरोपित को बचाने के लिए 5 करोड़ रुपए घूस लेने का इल्जाम लगा है। इस मामले पर कार्रवाई हुई, तत्काल तौर पर पवन खेत्री हिरासत में ले लिए गए हैं। दिल्ली शराब घोटाले में एक आरोपित को बचाने के लिए 5 करोड़ रुपए की घूसखोरी का मामला सामने आया है। इस सिलसिले में जांच आगे बढ़ाई गई। अब आधा दर्जन लोगों का नाम इस मामले में सामने आ रहा है। ईडी की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में नामित आरोपित में ईडी के सहायक निदेशक पवन खेत्री, ईडी के अपर डिवीजन क्लर्क नितेश कोहर, एयर इंडिया के सहायक महाप्रबंधक दीपक सागवान, अमरदीप सिंह डल, वीरेंद्र पाल सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रवन कुमार वत्स, कैलरीज होटल एंड रिसोर्ट के सीईओ विक्रमादित्य का नाम शामिल है। इस मामले पर मिली लीड के अनुसार पहली नजर में ये पता चला कि अमनदीप और वीरेंद्र पाल सिंह ने प्रवीण वत्स को 5 करोड़ रुपए पिछले साल दिसंबर 2022 में घूस दिया। दिसंबर से लेकर जनवरी 2023 की शुरुआत तक 3 करोड़ और फिर 2 करोड़ रुपए दिए गए, ताकि अमनदीप के खिलाफ शराब घोटाले को लेकर जांच के संबंध में ईडी की मदद मिल सके। इस पूरे मामले में दीपक सागवान का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। कहा जा रहा है दीपक आम आदमी पार्टी के बेहद करीबी रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है उन्हें आप पार्टी की तरफ से स्थानीय चुनाव के लिए टिकट भी मिल चुका है। कहा गया है दीपक सागवान ही वो शख्स है जिन्होंने प्रवीण वत्स को रिश्वत देकर आरोपितों की सूची से नाम हटवाने का आइडिया दिया था। प्रवीण वत्स ने बयान में कहा कि दीपक सागवान ने उन्हें आश्वस्त किया था कि वो कुछ धनराशि के एवज में ईडी से शराब घोटाले मामले में अमनदीप को राहत मिल सकेगी। प्रवीण को दीपक ने ही दिसंबर 2022 में पवन खेत्री से मिलवाया था। दीपक के आश्वासन के बाद प्रवीण वत्स ने अमनदीप से 50-50 लाख की 6 किस्तों में 3 करोड़ रुपए लिए थे। 5 करोड़ रुपए की धनराशि चुकाने की डील हुई थी। कहा गया था ये धनराशि देने से अमनदीप को आरोपितों की सूची से हटा दिया जाएगा। अब इसी मामले में ईडी के सहायक निदेशक पवन खेत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय दे रहा है घर बैठे पढ़ने का मौका। अब डिस्टेंस एजुकेशन का विकल्प आपके शहर गोड्डा में हो गया है उपलब्ध। करते हैं नौकरी और चाहते हैं पढ़ना, या हाउसवाइफ महिलाएं पढ़ना चाहती हैं आगे, तो पहुंच जाइए नवप्रभात इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में, जहां आईटी फील्ड से लेकर मैनेजमेंट तक में मिलेगा पढ़ाई का मौका। जाना चाहते हैं किसी भी फील्ड में तो करिए डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स, जीवन में मिलेगा हाइक और करियर होगा ब्राइट। डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स है उपलब्ध। जल्द ही शुरू होगा स्नातक और पारा स्नातक पाठ्यक्रम। हमारा कार्यालय है गंगोड्डा, झारखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त।